कामगारांचा नेता कैसा हो, अभिजीत राणे साहेब आगे बढो, अभिजीत राणे साहेब आगे बढो। सबसे हमने मोर्चा निकाला, हमारा जो नेशनल पार्क में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का तरफ से जो काम करने वाले वन कर्मचारी है, इनको पिछले 25-30 साल से कुछ भी बेनिफिट नहीं दिया जाता है, पगार टाइम पे नहीं होता है। इनको 10,000 रुपये पगार है, वो पगार भी 5-5, 6-6 महीने लगाता है देने के लिए, सब कुछ इनका पास रहते हुए भी। और परमानेंट वर्कर्स लोगों का भी 3-3, 4-4 महीना पगार नहीं होता है, उसका बारे में हम एकदम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले भी हम 2-3 बार आंदोलन करने का कोशिश किया, लेकिन हमारा कुछ ऑफिसर लोगों का आश्वासन की वजह से हमने वो मोर्चा पीछे लिया था। लेकिन आज जो कर रहे हैं, आज का एकदम तीव्र आंदोलन है। जब तक ये लोग हमको राइटिंग में नहीं देते तब तक हमारा ये आंदोलन पीछे हटने वाला नहीं है। हमारा वर्कर लोगों के ऊपर बहुत सारा अन्याय हुआ है, हम सारा मुद्दे यहाँ पे लिख के लाए हैं, हमारा सेक्रेटरी साहब पढ़ के बताएंगे अभी। सर पहला मुद्दे से शुरुआत करिए, मुद्दा क्या आपका? पहला तो ऐसा है सर कि कैसा है, उद्यान क्षेत्र में जो अपने प्राणी मृत्युमुखी पड़ते तो उनको उठाने के लिए कोई नहीं रहते, उठाने के लिए तो समझो प्राणी मृत्युमुखी पड़ गया, उसको कीड़े बीड़े आ गए। मैं देखा तो प्राण्यांना कीड़े पड़तात, कीड़े पडले तरी पण त्यांना मजुरांना उचलण्यासाठी त्यांना प्रोटेक्शन काहीच नसतं। उदाहरणार्थ हँडग्लोव्ह देत नाही, त्यांना कुठल्या प्रकारे वस्तू पाहिजे असतात त्या पण देत नाही, तो एक मुद्दा आहे। तसेच प्रोटोकॉल असतो, प्रोटोकॉलमध्ये अशा गोष्टी आहेत की टेम्पररी लोक आहेत त्यांना पण तो प्रोटोकॉल करायचा नसतो, ॲक्च्युली तो प्रोटोकॉल आहे कोणाचा, वनरक्षक लोकांचा, तरी पण तो प्रोटोकॉल वनमजुरांना दिला जातो। आणि तिसरा मुद्दा आहे तसा की जो रिटायर होत आहे कर्मचारी, रिटायर होण्याचे पहिला उनको 6 महीना पहला उनको बताया जाता है कि वो बा 6 महीने के बाद में आप रिटायर होने वाले हैं, उससे पहला इनका जो कागज़ पत्र रेडी होता है वो कुछ भी नहीं बताता है, कल रिटायर होने वाला है, आज बताता है कल तो रिटायर होने वाला है। तो रिटायर होने के बाद में हमारा जो वन कर्मचारी उनको 2-2, 3-3 साल लगाते हैं उनका जो सर्विस फंड जो भी बेनिफिट मिलना रहता है उसके लिए, बाकी ऑफिसर लोगों का रिटायर जिस दिन होता है उसी दिन उनका सब कुछ मिल जाता है, फक्त हमारा लोगों के लिए ये अन्याय क्यों? और दूसरा है कि अभी तुलसी गेट है अपना, जैसे कि वो वाइल्ड लाइफ एरिया है तुलसी गेट, वाइल्ड लाइफ एरिया मतलब प्रोटेक्शन ही रहे, वहाँ पे किसी को जाने की मनाही है, लेकिन ऑफिसर लोगों के साथ ऑफिसर लोगों का स्टाफ जाता है, उनके लोगों का परमिशन है। जब भी हमारा स्टाफ जाता है तो उनको रुकाते, रुकाने के बाद मतलब हमारा स्टाफ मतलब कैसा, फॉरेस्ट का स्टाफ, वन मजदूर स्टाफ, उनको रुका देते हो और उनको छोड़ते ही नहीं है, उनको रुका के ऊपर से वो तुलसी के जो ऑफिसर्स है वो उल्टा से उल्टा भाषा करते और उनको गलीचे भाषा से उनको निकाल देते यहाँ से आपको परमिशन नहीं करके, और लेकिन ऑफिसर लोग के मेहमान को छोड़ते हैं वहाँ से, ये गलत है। सर इसमें मैं जानना चाहता हूँ आपसे, अभिजीत राणे सर का किस तरह से आपको सपोर्ट रहा, किस तरह से आगे यहाँ पर आंदोलन होगा? अभिजीत राणे सर जहाँ हम जहाँ से जब से उनसे जुड़े तब से लेके हमको बहुत सारा इशूज थे, उसमें से कुछ ये मिला अपने को राहत मिला कुछ बातों से, लेकिन अभी भी हमको अभिजीत राणे साहब के ऊपर पूरा विश्वास है, हमको पूरा न्याय दिला के देंगे और बहुत सारा अच्छा कोऑपरेट करते हैं अभिजीत राणे साहब। कंप्लेंट हम सीएम साहब से लेके फॉरेस्ट मिनिस्टर और फॉरेस्ट का जो सचिव है उनको दिए, हमारा जो वरिष्ठ सीनियर ऑफिसर है उनको दिया, सभी जगह पर हमारा डिपार्टमेंट से रिलेटेड सभी जगह पर हमने पत्र व्यवहार किया, कहीं से भी अपने को पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आता है, और आता है तो भी ये अधिकारी लोग हमको बताते नहीं है कुछ भी। हमारा मांगनी ये है कि हमारा जो वर्कर्स लोग है उनको टाइम पे पगार देवे, हमारा जो सुख सुविधा है वो देवे, और अभी एक नया अभी हमारा वर्कर्स लोग शासकीय रूम में रहते हैं और कुछ लोग अतिक्रमण किया है, उन्होंने रीत सर पैसा भरा है, उनका झोपड़े का पैसा भरा है, पैसा भरने के बावजूद भी अभी बारिश में हमारा लोगों को जाके घर से बाहर निकल दिया इन्होंने, इतना अत्याचार चालू है, हमारा बाल बच्चे लेके सब बारिश में भीगते हुए रोते हुए महिला लोग, कौन कौन महिला लोग जरा सामने और रोते हुए बाहर आए थे सब जगह, ये क्यों अत्याचार हमारे ऊपर? इतना 25-30 साल से हम लोग यहाँ पे रहते हैं और हम शासकीय कर्मचारी, हमारा लीगल घर भाड़ा कटता है, उसका बावजूद भी हमको हाथ पकड़ के हमारा भांडी बर्तन बाहर निकल के तुम बाहर बेचते, ये कौन सा अन्याय? ये कर दिया, हम बारिश में बैठ गए, मेरा आदमी काम पे था तो उसका जगह पे भी लिया नहीं, अभी मेरे को रूम में रहती है तो हकड़ रहे, मेरा लड़का भी मर गया लॉकडाउन में मर गया, मेरे को सुविधा नहीं रहने के लिए, तो अभी मैं बारिश में कहाँ जाऊँ, किधर रहूँ मैं?
कोई ये नहीं है मेरे को, छोटा छोटा मेरी बहू है, जवान मेरी बहू है, बाहर निकल डाला उनको रहने, एक मेरी निकलो अभी के अभी निकलो सारा सामान। आपकी मांगे क्या है, आपकी मांगे क्या है? हमने मांगे करते हमको रह रहे तो जगह दो, हम जबरदस्ती नहीं करते कि हमें यही रहना। झोपड़ा था, झोपड़ा तोड़ के हमको रूम मिला, झोपड़ा था हमारा, झोपड़ा तोड़ के रूम दिया, रूम में से अभी रोड पे निकाल रहे तो जाएंगे किधर बच्चों को लेके, और हमारा नौकरी जब तक हमें रहने दो, हम नहीं बोल रहे कि हमें यही रहने दो। अब बोलिए क्या बोलिए। मैं इतना सरसी रहती हूँ, इतना सरसी रहती हूँ, बहुत सरसी रहती हूँ, मैं बहुत चुन्ना भाई रहती हूँ, सबका साथ रहती हूँ, अभी मैं अकेले हूँ, मेरे को लड़का नहीं है, सब इधर सब भाई बहन सबका, मेरे खानदान कोई नहीं इधर, मैं अकेले गौड़ा है, इधर कोई नहीं मरे वाला, सब इधर का उधर का लोग मेरे को सपोर्ट देते हैं। ये इतना साल में आज मेरे को बोलता है रूम खाली करो, मैं किधर से जाएगा, मैं किधर जाएगा, मेरा आदमी का, मेरा आदमी मर गया, मैं इधर जिंदा हूँ, चार अन्ना ग्लास पानी देख के मैं तीन निकालू, आज मेरे को बेटी मैं किधर जाएगा, मेरा गाँव ही यही है, मेरे को रहने को जगह देने दे, मैं रहेगा। वो खाली करने का रीजन क्या बताते आप? रीजन में मैं बताए मेरा सरकारी रूम में खाली, और टेंपर वाले हो तुम, सरकारी रूम खाली करो तो पहले दिया क्यों हमारे को, झोपड़ा तोड़ के फिर दिया क्यों हमारे को, देना ही नहीं चाहिए ना, झोपड़ा तोड़ना नहीं चाहिए ना हमारा, तो झोपड़े में खुश थे हम लोग, फिर रूम दे के अभी ऐसा बोल रहे हैं, ये नहीं है तुम लोग निकालो, अभी जाके निकालो, असं सांगितलं का हे घर तुम्हाला इंदिरा गांधीने बांधून दिलेलं आहे, जेव्हा आम्ही त्यांना सांगत होते की आम्हाला कागद द्या, आम्हाला पत्र द्या, तर तेव्हा ते सांगत होते की तुम्हाला खाली काही भेटणार नाही, ही आमची जागा आहे, ही गव्हर्नमेंटमध्ये बसत नाही, ते असं बोलत होते, आणि आम्हाला डायरेक्ट आता सांगता की तुम्ही रूम खाली करा, रूम खाली करणार तर आम्ही जाणार कुठं सर, आता आमच्या माणसांना चार पाच वर्ष बाकी लेटर व्हायला, एवढ्या वयामध्ये कुठून जाणार, एवढ्या लांबून येणार, तर आम्ही इथेच राहणार आहेत, आम्हाला इंदिरा गांधीने बांधून दिले ना, आम्ही तर इथेच राहणार आहे, आम्ही जाणार नाही, आमच्या सासू सासरे पण इथे होते, ते लिटा झाले, आमचे सासू सासरे इथे कामाला होते, ते लिटा झाले, आता आमचे मिस्टर लिटार होणार आहेत, आम्ही इथेच राहणार, आम्ही जाणार नाही, टूटा फुटे रूम गांधीने बना के दिया, हम लोग उस रूम में रहते हैं, अभी टूटे फूटे है तो भी ये लोग सविता देते हैं। आप अपनी मांगे बताइए, मांगे क्या है वो बोलिए? हमारा वही रूम में रहना चाहिए, वही रूम में, आप बोलिए आपकी, हमको भी वही चाहिए सर, मेरे को जगह देने दो, मेरे को वही रूम में। यूनियन के माध्यम से हम वन कामगार और वन मजदूर का प्रतिनिधित्व करते हैं, आज मुंबई में नेशनल पार्क में हमने आंदोलन रखा था, लगभग 17 से 18 उनकी मांगे थी, ये वो कर्मचारियों की जो मांगे हैं वो इतनी जायज़ है कि जंगल में जब हम काम करते हैं तो उनको लकड़ियाँ नहीं दी जाती है, गम्बूट नहीं दिए जाते, उनको टॉर्च नहीं दी जाती, ऐसे बेसिक चीज़ें थी, पगार से रिलेटेड चीज़ें थी, उनके उनके घर के रिलेटेड जिनको हम उनके हॉस्टल से रिलेटेड चीज़ें थी, ऐसे बहुत से विषयों पर गंभीर तौर पर चर्चा हुई, बहुत दिनों से हम इसका पाठ पुरावा कर रहे थे। ये फॉरेस्ट पार्क के जो CFO है मल्लिकार्जुन जी, उनके साथ में हमारी बहुत पॉजिटिव सकारात्मक चर्चा हुई है, निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में उन्होंने कुछ टाइम पीरियड दिए हुए हर एक हमारे मांगनी पर, निश्चित तौर पर आज का ये आंदोलन हमारा यशस्वी हुआ है, ऐसा मैं यहाँ पर घोषित कर रहा हूँ।